Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know, we were learning and reading about the use of prepositions. We have learned about the use of in and on. I mean, in which place we will use in and on, and in which place we will use on. A pen is in the ink pot, a book is in the bag, a bird is on the tree, a ball is on the table. From these sentences, we have learned the use of in and on. And after that, we have learned also the use of under and out of. A bucket is under the table, a ball is under the chair, Ravi is sitting out of the room, Ram is taking his hand out of his pocket. Dear students, from these sentences, we have also learned the use of under and the use of out of. After that, we have learned the use of to and from. A boy is going to the market. Kiran is going to the well. A boy is coming from the school. Radha is coming from the temple. These sentences tells us about the use of to and from. After that, we have learned the use of these prepositions, behind and between. A fox is behind the stool, a girl is behind the blackboard, the ball is between the chair and the bed, Gopal is between the table and the wall. Dear students, these sentences also tell us about the use of behind and between. Now, today, we will read and we will learn the names of days in a week. What day is today? Today is Monday. What day was yesterday? Yesterday was Sunday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Tuesday. How many days are there in a week? There are 7 days in a week. The names of the days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. अजीज तलबा, हम और आप प्रीपोजिशंस यानी हरफे जार या हरूफे जार के इस्तेमाल के सिलसिले में सीख रहे थे, जिसमें इन ऑन इसका इस्तेमाल हमने सीखा था कि इनका इस्तेमाल उस वक्त करो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर हो, जैसे अ पेन इज इन द इंक पॉट। और ये भी सीखा था कि आन का इस्तेमाल उस वक्त करो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हो, जैसे अ बॉल इज ऑन द टेबल। इसके बाद हमने प्रीपोजिशन अंडर और आउट ऑफ के इस्तेमाल के बारे में जाना कि अंडर से किसी वस्त्र के नीचे होने का ज्ञान होता है और आउट ऑफ से किसी वस्त्र के बाहर होने का बोध होता है। तो अब बकेट इज अंडर द टेबल, रवि इज सिटिंग आउट ऑफ द रूम। इसी तरीके से हमने टू और फ्रॉम के इस्तेमाल के बारे में जाना। अ बॉय इज गोइंग टू द मार्केट, किरण इज गोइंग टू द वेल। टू का प्रयोग दिशा की ओर जाना बताने के लिए होता है, यानी टू का इस्तेमाल संत की तरफ जाने के लिए बताने के लिए होता है, और फ्रॉम किसी संत से आने के लिए होता है।
जैसे अ बॉय इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, अ बॉय इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, अ बॉय इज गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद में बिहाइंड और बिटवीन के बारे में सीखा गया कि बिहाइंड का प्रयोग उस समय होता है जब कोई चीज या शख्स या कोई भी चीज किसी के पीछे हो, और बिटवीन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई चीज शख्स वगैरह किसी दो चीज के बीच में हो। जैसे अ फॉक्स इज बिहाइंड द स्कूल, द वाइट बोर्ड, द वॉल इज बिहाइंड द वाइट बोर्ड। इसी तरीके से द बॉल इज बिटवीन द चेयर एंड द बैट, द बॉल इज बिटवीन द चेयर एंड द बैट। यहां गेंद देखिए कुर्सी और बैट के बीच में, इसलिए बिटवीन का इस्तेमाल हुआ है। अजीज तलबा, ये प्रीपोजिशंस थे जिनका इस्तेमाल देखा गया, यानी इन ऑन और इसके बाद में अंडर, आउट ऑफ, टू फ्रॉम और बिहाइंड, बिटवीन। ये प्रीपोजिशंस तो बहुत ही अहम थे जिनका इस्तेमाल अभी आपने देखा है। अब आइए इसके बाद में हमें जो पढ़ना है और सीखना है वो लेसन नंबर 14 है। क्या है लेसन नंबर 14? इसके तहत ये हमें नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, उसको सिखाएंगे और बतलाएंगे। तो देखिए ये खुद बता रहे हैं, निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़ो, यानी नीचे जो जुमले आ रहे हैं उनको बगौर पढ़ना है। व्हाट डे इज टुडे, टुडे इज मंडे। इसमें ये सवाल खुद कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं उसका, कह रहे हैं कि व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है। व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है। टुडे इज मंडे, आज क्या है, सोमवार है, आज सोमवार है। व्हाट डे वाज यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। व्हाट डे वाज यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। यस्टरडे वाज संडे, कल इतवार था। व्हाट डे विल बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा। व्हाट डे विल बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा। तो टुमारो विल बी ट्यूजडे, टुमारो विल बी ट्यूजडे, कल मंगल होगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन आर देयर इन अ वीक, हफ्ते में होते हैं। देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, हफ्ते में सात दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, सात दिन होते हैं। देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, हफ्ते में सात दिन होते हैं। द नेम्स ऑफ द डेज आर, दिनों के नाम ये हैं, मंडे यानी सोमवार, ट्यूजडे मंगलवार, वेंसडे, अब ये वेडनेसडे मत पढ़िएगा, यहां डी साइलेंट रहेगा, वेंसडे बुधवार, और इसके बाद में है थर्सडे जुमेरात, फ्राइडे जुमा, सैटरडे शनिचर, संडे इतवार। तो संडे इतवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे बुधवार, वेनेसडे, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे जुमेरात, फ्राइडे जुमा, सैटरडे शनिचर। अजीज तलबा, ये जो इन्होंने आपको भी बताया है और दिनों के बारे में, यानी व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, व्हाट डे वाज यस्टरडे, कल कौन सा दिन था, यस्टरडे वाज संडे, कल यानी यस्टरडे गुज़िश्ता कल जो गुजर गया हो, संडे यानी इतवार था। व्हाट डे विल बी टुमारो, आने वाले कल कौन सा दिन होगा, टुमारो विल बी ट्यूजडे, टुमारो आपका मंगल दिन होगा, यानी आने वाला कल मंगल का दिन होगा। फिर इन्होंने बताया, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं। देयर आर सेवन डेज इन अ वीक,
हफ्ते में 7 दिन होते हैं। द नेम्स ऑफ द डेज आर, दिनों के नाम ये हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए दिनों के नामों का, नामों को रेखांकित स्थान पर अक्षर लिखकर पूरा करो। यानी बोला कि ये आप नामों जो दिन है उनकी स्पेलिंग को जानना चाहते हैं, इसलिए दिनों के नाम को लिखे हैं लेकिन बीच बीच से कुछ हरूफ गायब कर दिए हैं, आपको खुद से भरना है ताकि इस बात का पता चल सके कि आपने दिनों की स्पेलिंग को याद किया है या नहीं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए दिनों के नामों को रेखांकित स्थान पर अक्षर लिखकर पूरा करो। अब यहाँ देखिए W है DNSDY, यहाँ बीच बीच में छोड़ दिया गया है तो क्या रहेगा, हाँ W के बाद में E भरेंगे, हाँ चलिए N के बाद में E और D के बाद में E, तो Wednesday यानी बुधवार। इसी तरह STRD और बीच बीच में खाली जगह छोड़ दिया है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ठीक है सैटरडे होता है, एस के बाद में ए, टी के बाद में यू और डी के बाद में ए और वाई भरेंगे, जिससे सैटरडे हो जाएगा। उसके बाद में एम एन डी और फिर लास्ट में वाई है, यहाँ पे बीच बीच में खाली जगह छोड़ी है तो ये हाँ मंडे हो जाएगा, एम के बाद में ओ और डी के बाद में ए, मंडे। थर्सडे, अब देखिए THSAY बीच बीच में खाली जगह छोड़ दिया है तो यहाँ UR हाँ और डी, थर्सडे हो जाएगा। ट्यूसडे TSDY है, ट्यूसडे ये है लेकिन बीच बीच में इन्होंने खाली जगह छोड़ी है, उसकी स्पेलिंग भरनी है तो टी के बाद में यू और ई, एस से पहले ई और डी के बाद में ए, तो हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। उसके बाद में फ्राइडे है तो आर के बाद में खाली जगह है और डी के बाद में, अब यहां क्या भरेंगे, आई आर के बाद आई और डी के बाद में ए, फ्राइडे। उदाहरण के अनुसार दूसरा वाक्य स्टरडे के साथ बनाओ और फिर आगे कह रहे हैं उदाहरण के अनुसार दूसरा वाक्य टुमारो के साथ बनाओ। देखिए इन्होंने एक करके बता दिया है टुडे इज मंडे, आज क्या है सोमवार है, एस्टरडे वाज संडे और गुज़श्ता यानी जो गुजर गया है कल उसमें इतवार था, तो अब एक ये लिख दे रहे हैं एस्टरडे लगा के आपको खुद बनाना है। देखिए टुडे इज ट्यूसडे, आज क्या है मंगल है, आज मंगल है, टुडे इज ट्यूसडे आज मंगल है तो एस्टरडे वाज हाँ मंडे, कल सोमवार का दिन था और टुडे इज वेंसडे आज बुधवार है, आज बुध का दिन है, टुडे इज वेंसडे आज बुध का दिन है। तो आप यहां पे एस्टरडे लगा के क्या बनाओगे, बोलिए एस्टरडे वाज ट्यूसडे, जो गुजरा हुआ कल है वो मंगल का दिन था। टुडे इज थर्सडे, आज जुमेरात है, टुडे इज थर्सडे आज जुमेरात है, तो यहां एस्टरडे वाज वेंसडे यानी गुज़िश्ता जो कल है उसमें वो बुध का दिन था, कल बुध था। टुडे इज फ्राइडे, आज जुमा है, एस्टरडे वाज थर्सडे, कल जुमेरात का दिन था। टुडे इज सैटरडे, आज शनिचर है, एस्टरडे वाज फ्राइडे, कल जुमा था। टुडे इज सैटरडे, आज शनिचर है, एस्टरडे वाज फ्राइडे, कल जुमा था। टुडे इज संडे, आज इतवार है,
एस्टरडे वाज सैटरडे, कल शनिचर था। इसमें देखिए एक मिसाल इन्होंने लिख दिया, टुडे यानी आज का दिन बताया है और एस्टरडे लगा करके जो गुजर गया उसको खुद से लिखना, इन्होंने एक करके बता दिया। इसी तरीके से उदाहरण के अनुसार दूसरा वाक्य टुमारो के साथ बनाओ, जैसे टुडे इज मंडे तो टुमारो विल बी ट्यूजडे, यानी आज आपका सोमवार है, टुमारो विल बी ट्यूजडे, यानी आने वाला जो कल होगा उसमें मंगल का दिन होगा। टुडे इज ट्यूजडे, आज मंगल है, टुमारो विल बी वेंसडे, आने वाला कल बुध का दिन होगा, या आने वाले कल में बुध होगा। टुडे इज वेंसडे, आज बुध का दिन है, टुमारो विल बी ट्यूजडे, टुमारो विल बी थर्सडे, आने वाले कल थर्सडे ये जुमेरात का दिन होगा। टुडे इज फ्राइडे, आज जुमा है, टुमारो विल बी सैटरडे, कल शनिचर का दिन होगा। टुडे इज सैटरडे, आज शनिचर है, टुमारो विल बी संडे, कल इतवार का दिन होगा। टुडे इज संडे, टुमारो विल बी मंडे, आने वाला दिन सोमवार का दिन होगा। अजीज तलबा, इस सबक के अंदर जो आपका लेसन नंबर 14 है, इसमें दिनों के नाम को कई तरीके, दिनों के नाम को इन्होंने सिखाया है, फिर उसकी स्पेलिंग सिखाई है, और इसके बाद में कई तरीके से इन्होंने जुमले को उलट फेर करके बनाने के लिए कहा है, और एक मिसाल दे दिया है कि उसी एग्जाम्पल पर, उसी मिसाल पर, उसी पैटर्न पर आप जुमले बनाइए, ताकि दिनों के नाम जबा जब हो जाए, अच्छी तरीके से याद हो जाए और इसको हमेशा के लिए याद रखें। अजीज तलबा, ये आज का लेसन था जो प्रीपोजिशंस के खुलासे, और ये जो आपका सबक लेसन नंबर 14 है, इस पर मुश्तमिल था। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में, अगले लेसन नेम्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी साल में कितने महीने होते हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं, इस सबक के साथ मिलेंगे। अजीज तलबा, आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करते रहिए, और खास तौर से राइटिंग बनाने के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है राइटिंग बनाते रहिए, और इम्तिहान आ रहा है बिल्कुल सर पे है, उसकी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। आज के लिए बस इतना ही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।